नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी स्पेशल परीक्षा विशेष अंक में। आज लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 2 डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्षेत्रवाई परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी की परीक्षाएं होती हैं, तो उनमें एक यूपी का जो विशेष रोल रहता है, उन्हीं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हम लोग बना रहे हैं, और उसी की सीरीज, वन लाइनिंग सीरीज आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 2011, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 कितनी है? 19,98,12,341 जनसंख्या, ठीक है। जो जनसंख्या होती है प्रत्येक दस वर्ष के अंतर में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत है। जो भारत की जनसंख्या है उसका कुल प्रतिशत कितना है? 16.50%, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार दस की वृद्धि कितनी हुई थी? देखिए जो अंतर हुआ था, जो 2011 की पहले जो जनगणना हुई थी उसके बाद जो 2011 जनगणना हुई उसके बीच में जो अंतर था, उसकी 10 की वृद्धि आबादी कितनी बड़ी है? तो उसका परसेंटेज है 20.22%, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या घनत्व है, अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कितना है? 829, कितना है? 829, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, अगर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखा जाए तो कितना है? 912, कितना है? 912 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश का साक्षरता, अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात की जाए तो कितनी परसेंटेज है? 67.7%, ठीक है, 67.7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता, अगर उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो कितनी है? 77.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात की जाए तो कितनी है? 57.2%। ये बहुत ही निंदनीय है, सोचने वाली बात है कि पुरुषों की साक्षरता देखी जाए तो और महिलाओं की साक्षरता में अगर अंतर देखा जाए तो कितना है? 20% का डिफरेंस है, ये बहुत ही मायने रखता है 20%। और आशा करते हैं जो हमारी जनगणना होगी तो उसमें कहीं ना कहीं ये सुधार आ गया होगा, 20% जो डिफरेंस है शायद वो कम हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के शीर्ष जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं, कौन कौन से हैं? अगर नंबर 1 की बात की जाए प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते थे पूर्व नाम, मुरादाबाद और गाजियाबाद। सबसे सर्वप्रथम कौन सा है? प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद गाजियाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश में कम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं, अगर देखा जाए सबसे कम जनसंख्या किसमें? महोबा में है, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, ठीक है। महोबा, चित्रकूट, फिर हमीरपुर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, इलाहाबाद है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है? प्रयागराज है, उसके बाद मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, ठीक है। जो हमारी शीर्ष जनसंख्या है ना, ठीक है, वही पुरुषों की आबादी में वही नंबर 1 है, ठीक है, सेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला आबादी वाले जिले, अगर महिलाओं की आबादी वाले जिलों की बात की जाए तो पहले नंबर पर प्रयागराज है, उसके बाद बात की जाए तो आजमगढ़ है, और उसके बाद बात की जाए तो क्या है? जौनपुर है, क्या है? जौनपुर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की शीर्ष 3 दशकीय आबादी वाले जिले, उत्तर प्रदेश की शीर्ष 10 आबादी वाले जिले कौन कौन से? नंबर 1 है गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 है गाजियाबाद, नंबर 3 है श्रावस्ती, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम 3 दशकीय आबादी वाले जिले हैं तो कौन कौन से जिले हैं? देखते हैं, कानपुर है, कानपुर नगर है, हमीरपुर, उसके बाद बागपत। कानपुर सबसे पहले नंबर है, फिर हमीरपुर है, फिर बागपत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व वाले, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं जनसंख्या घनत्व का, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शीर्ष जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले हैं, ये दोस्त यहाँ शीर्ष नहीं होना था, यहाँ न्यूनतम होना था, ठीक है, क्या होना था? न्यूनतम, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? ललितपुर है पहले नंबर पर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर है। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर ललितपुर है, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, ये भी न्यूनतम वाले, ये सही है, ठीक है, ये हाँ मिस्टेक हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है। दोस्तों
अभी के लिए इतना ही, ये लेक्चर नंबर 2 था। जितने भी साथी हमारे चैनल साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल साथ जुड़ सकें।